अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम विश्व में अपने अच्छे फॉर्म में चल रही है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय के अलावा अगर घरेलू क्रिकेट की बात करी जाए तो यहाँ पर भी भारतीय टीम का एक खिलाड़ी बहुत नाम बना चुका है। बता दें कि ऐसे ही घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जफर ने अपने नाम पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। बता दें कि वो रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारत के बल्लेबाज बन गए हैं। जाफर ने विदर्भ की तरफ से बड़ौदा के खिलाफ 153 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि इसी बीच उन्होंने 11,000 रन भी पूरे कर लिए। जाफर ने इस बीच फैज फसल के साथ 300 रनों की साझेदारी खेली। बता दें कि फजल ने 151 रनों की पारी खेली थी। साथ ही साथ ये चौथे अवसर है जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 300 या इससे अधिक रनों की साझेदारी खेली। इस मामले में उन्होंने विजय हजारी के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। रणजी ट्रॉफी में वसीम जाफर के बाद सर्वाधिक रन मुंबई के उनके पूर्व साथी अमोल मजबूदार और मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला ने बनाए। बता दें कि मुंबई के अमोल मजबूदार ने 9,202 रन बना रखे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला की बात करी जाए तो उन्होंने 2,201 रन बनाए। जबर के नाम रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक 37 शतक और 81 अर्धशतक भी दर्ज है और ऐसे करने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बने। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से गौरव की रिपोर्ट।